सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाले गिव अवे और रिव्यू वीडियोस को मिस ना करें। हाय गाइस, सबका स्वागत है डीएनजी रिव्यूज में। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं पुराने फोन्स की अनबॉक्सिंग क्यों करती हूं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं वैल्यू फॉर मनी फोन्स की अनबॉक्सिंग करती हूं, जो कि आज भी अच्छी ऑप्शंस है उस प्राइस रेंज में। इसलिए आज हम लिनोवो K6 पावर की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आइए जल्दी से खोलते हैं उस बॉक्स को और साथ में मैं आपको बताती हूँ कि ये वैल्यू फॉर मनी कैसे है। बॉक्स में सबसे पहले हमारे पास फोन है। हमारे पास इसका गोल्ड कलर है, वैसे आपको ये सिल्वर और डार्क ग्रे कलर में भी अवेलेबल है। आइए इसकी प्रोटेक्टिव फिल्म उतारते हैं। ये डिवाइस आपको 10,000 रुपए में फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और जो फ्लिपकार्ट की एवरी मंथ सेल आती है उसके अंदर ये आपको 9,000 से 9,500 रुपए में इजिली मिल जाएगा। उसका एक डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप इस फोन को सीधा खरीद सकते हैं। ये डिवाइस 145 ग्राम्स का है और 9.3 mm थिक है। इसके फ्रंट में हमें ग्लास मिलता है और बैक साइड में एल्यूमिनियम बॉडी। देखने में इसका गोल्ड कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसकी फिट एंड फिनिश काफी बढ़िया लग रही है। आप इसको इजीली एक हाथ में होल्ड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ये डिवाइस काफी हैंडी रहेगा आपके हाथ में। ओवरऑल मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे ये डिवाइस काफी सही लग रहा है। ये है इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स। ये हमारा ट्रेवल अडेप्टर जो की 10 वॉट का चार्जर है। ये हमारी यूएसबी केबल और साथ में ये हमारे जर्नल ईयरफोन्स। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैंने 60 प्लस अनबॉक्सिंग्स बनाई हैं और वो सारी मेरे प्लेलिस्ट में हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनको जरूर जाके चेक करें। तो आइए जल्दी से इसको ऑन करके इसके बाकी फीचर्स पे नजर डालते हैं। इस डिवाइस के अंदर आपको 5 इंच की IPS LCD स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन मिलता है 441 PPI के साथ। देखने में इसकी स्क्रीन और कलर्स एकदम ब्राइट नजर आ रहे हैं। ये डिवाइस रन करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 ऑक्टाकोर 1.4 GHz के प्रोसेसर के साथ, जिसके अंदर आपको एडिनो 505 के ग्राफिक्स मिलते हैं, उसके साथ एंड्रॉइड 6 जिसको आप एंड्रॉइड 7 में अपग्रेड कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको 4 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है, जिसको आप 256 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है 10 वॉट के चार्जर के साथ। इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं डॉल्बी एटमॉस ऑडियो एनहांसर के साथ, जिसकी वजह से इसकी साउंड काफी लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रही है। स्क्रीन के ऊपर की साइड हमारे पास ईयरपीस है, कुछ सेंसर्स हैं और उसके साथ 8 MP का सेल्फी कैमरा है, जिसके अंदर आपको फिक्स्ड फोकस, ब्यूटी मोड और फिल लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं। स्क्रीन के नीचे की साइड हमारे पास 3 touch buttons हैं, जिसमें आपका एक होम बटन, एक बैक बटन और एक मल्टीटास्किंग बटन है। डिवाइस के नीचे की साइड हमारे पास माइक है। राइट साइड में हमारे पास पावर बटन, उसके साथ वॉल्यूम रॉकर्स है। टॉप साइड में हमारे पास यूएसबी पोर्ट है, उसके साथ 3.5 mm हेडफोन जैक। डिवाइस की लेफ्ट साइड में हमारे पास हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जिसके अंदर आप 2 SIM कार्ड या फिर 1 SIM कार्ड और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं 256 GB तक का। बैक बॉटम में हमारे पास लिनोवो की बैजिंग है और उसके साथ स्पीकर्स है। उसके ऊपर हमारे पास फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसके साथ LED फ्लैश, 13 MP का बैक कैमरा और साथ ही एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन माइक। इसके कैमरा में हमें फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, जियो टैगिंग, टच टू फोकस, फेस डिटेक्शन, HDR मोड, पेनोरमा शॉट और साथ ही फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए इसके कुछ पिक्स पे नजर डालते हैं। सो गाइस, ये था हमारा लिनोवो K6 पावर, जो कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया डिवाइस है 10,000 रुपए के बजट में। देखा जाए तो आपको 10,000 रुपए में एक लिनोवो ब्रांड का बढ़िया फोन मिल रहा है, जिसके अंदर आपको 5 इंच की फुल HD स्क्रीन मिलती है, उसके साथ 4000 mAh की बैटरी, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया बैकअप मिलेगा और साथ ही स्नैपड्रैगन 435 प्रोसेसर 4 GB रैम के साथ। इसके फीचर्स के हिसाब से ये डिवाइस बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट करें लाइक बटन, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।